तो डिवोर्स लेने। इतने सालों का रिश्ता कैसे छोड़ दे? जो रिश्ता इतना टूट जाए कि फिर जुड़ ना सके उसे छोड़ देना ही बेहतर है। पर तलाक कवल, दुनिया क्या कहेगी? हम पहले थोड़ी हैं जो तलाक मांग रहे। पर हम पहले ही तो हैं जो अपने बच्चों से तलाक मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवभारत की इस खास बातचीत में। आज हमारे साथ मौजूद है कलर्स टीवी के अपकमिंग शो स्वर्ण घर के स्टारकास्ट रोनित रॉय और संगीता गुप्ता। तो स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि किस तरह की फीलिंग है टेलीविजन पर आप कमबैक करने जा रहे हैं? एक बार पहले भी कोशिश की थी वायाकॉम के साथ ही, लेकिन वो शुरुआत से ही थोड़ा कुछ लड़खड़ाऊ टाइप का ही हो गया। मुझे बहुत गर्व है कि सेकंड टाइम अराउंड माय सेकंड रिटर्न टू सो कॉल्ड सेकंड रिटर्न टू टेलीविजन इज विद वायाकॉम ओनली। एंड दिस टाइम जितना मैं पहली बार अपसेट हुआ था कि नथिंग वर्कड आउट एट दैट टाइम, जो सोचा था उसका कुछ भी नहीं हो पाया, मैं बहुत गर्व से इस बारी कहना चाहता हूँ कि जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हमको मिला है। रोल सुंदर था ही, एक्सपेक्टेंसी मुझे संगीता से थी बिकॉज टैलेंट इज अनक्वेश्चनेबल। जो एक एप्रिहेंशन था कि इनके साथ काम करना है, पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि कहानी का जो एक सार था वो सार कैसे, क्योंकि इनके साथ मैंने वक्त नहीं गुजारा, वर्कशॉप्स नहीं हुए, रीडिंग्स नहीं हुए, तो शूट से पहले इनके साथ वक्त नहीं गुजारा था मैंने, तो वो एप्रिहेंशन था कि कैसे हो पाएगा। लेकिन अभी इस स्तर पर शूटिंग कुछ बाकी है, पर मेजर शूटिंग जो की शूट है वो पूरी हो गई हमारी, तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है मुझे बैठे हुए कि जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा निकल के आया और निकल गया। जैसे कि सर ने कहा कि ज़्यादा वर्कशॉप नहीं हुई, आप लोग काफ़ी समय से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो आपको लगता है कि इतने सालों का जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं अब इस शो में दिखेगा और दर्शकों को इतना पसंद आएगा? अनुभव देखिए, किरदार अलग अलग होते हैं, वर्क एथिक्स जो है वो काम आते हैं। जिस तरह से एक कहानी को अप्रोच करना होता है, जो एक प्रोफेशनलिज्म एक्सपीरियंस की वजह से जो आता है वो ज़रूर वर्क करता है, लेकिन कहानी अलग है, किरदार अलग है, तो वो बैगेज लेके हम नहीं चल सकते। हाँ, लेकिन मुझे पता था कि रौनित जी हैं तो इट विल बी ईजियर। आई ऑलवेज न्यू इट कि हम कहीं ना कहीं कुछ अगर सीन 19-20 हुआ भी तो साथ में मिलके 20-21 कर देंगे, 19-20 में हम नहीं देंगे। और वैसा ही हुआ है जैसा कि इन्होंने कहा है, केमिस्ट्री बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रही है, नज़र आ रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के, ऐसे लग रहा है कि स्वरण और कवल ने एक ज़िंदगी जी है साथ में, उन्होंने ये आशियाना बनाया है, तो इट्स बीन अमेजिंग, इट्स बीन ग्रेट। सर, जब से शो का प्रोमो आया है ना, तो कहीं ना कहीं इसके कंपैरिजन भी किए जा रहे हैं फिल्मों के साथ, आपने भी इस पर काफ़ी कुछ बताया। मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि क्या अलग होने वाला है और कितना दिलचस्प होने वाला है ये शो। देखिए, सर्वप्रथम सीधी बात, 2.5 घंटे में कही गई एक कहानी और इसकी लंबाई का हमें अंदाजा भी नहीं है अभी तक, 1-2 साल, 3 साल, लेकिन 2.5 घंटे में कही गई एक कहानी और हफ्ते में हमारा, एक हफ्ते में फर्स्ट वीक में 2.5 घंटे होंगे, है ना, हाफ एन आवर एवरी डे, 5 डेज अ वीक, तो हाफ एन आवर में हम लोग 2.5 घंटा तय कर जाएंगे। देयर इज अ मूवी एवरी वीक, देयर इज अ, नहीं, उतने में हमारी कहानी ऑलमोस्ट शुरू भी नहीं हुई है। तो फर्क ही, अंतर ये है कि जो एक बारीकियां होती है कहानी की, वो बारीकियां और जो प्रश्न होते हैं, क्यों, कहां, कैसे, कब, किसने, तो ये जो बारीकियों के, बारीक प्रश्न जो होते हैं उनके ऊपर, उनका एक्सप्लोरेशन इस शो में, ना कि जी ये ऐसा है, ये ऐसा है, अब ऐसा हुआ तो खत्म हो गया, इट्स नॉट दैट। द एवरी डिटेल विल बी शोन, विल बी एक्सप्लोर्ड, डिटेल्स ऑफ अ रिलेशनशिप, जो खुद में ही बारीक चीज़ है। जब आपको ये शो ऑफर किया गया
तो आपका क्या रिएक्शन था सबसे पहले, और क्यों आपने इस शो को चूज किया उसके बारे में? मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई है कि ये रोल और ऐसा एक शो मुझे ऑफर हुआ है, क्योंकि काफ़ी रिलेटेबल है एज एन एक्टर ऑल्सो. हम हमेशा थोड़ा रियल स्पेस में काम करना चाहते हैं. टेलीविजन में ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है कि इस कैरेक्टर को रियल बनाएं. पर ये सिचुएशन ऐसी थी जो बहुत रिलेटेबल थी, कहीं ना कहीं रियल स्पेस में है, लिखा भी वैसे गया है, और हमने कोशिश भी की है कि उसे वैसे ही निभाया जाए, हम भी जितना हो सके रियल करें. सिचुएशंस बहुत ड्रामेटिक है बिल्कुल, लेकिन जो परफॉर्मेंसेज है वो ड्रामेटिक नहीं है. और जब स्वरण का किरदार मुझे ऑफर किया गया, आई इमीडिएटली फेल इन लव विद स्वरण. आई फेल इन लव विद स्वरण एंड कवल टुगेदर. उनका जो रिश्ता है, माँ बाप का जो अपने बच्चों के साथ रिश्ता है, कितने सेल्फलेस हैं. सो आई कुड रिलेट टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड मैंने इमीडिएटली हाँ किया. रोनित सर की अगर बात करें तो उनकी जो दर्शकों के बीच छवि है वो ऐसी है कि काफ़ी सीरियस काइंड ऑफ रोल्स करते हैं, पर अभी भी पीछे सर का एक कैसा रहा है, आपने काम किया उनके साथ पर्दे के पीछे? ये जब काम कर रहे होते हैं इंटेंस ही है, वो जब सोच रहे होते हैं तो कंटिन्यूसली उस किरदार के बारे में सोच रहे हैं. कई बार जो पैकअप करके चले जाते हैं फिर इनका फ़ोन आता है, अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ ये जो सीन किया था इसके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो फिर कैसा लगेगा. तो ही इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, ही टेक्स आई थिंक हिज वर्क होम ऑल्सो. बट हाँ, मस्ती मजाक भी करते हैं, ऐसे नहीं ही सीरियस ऑल द टाइम. ही इज़, उनकी वो छवि ऐसे है, नारियल है, बाहर से सख्त अंदर से नरम. तो ही इज़ क्वाइट अ रेवलेशन टू मी. और अंदर का पानी भी बहुत हेल्दी. सर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने एक लाइन कही थी, कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी पसंद है, अपने कहा कि मैं तालियों की तरह के लिए कहा आपने खुल के तरह. तो जब लाइफ में अप्रिसिएशन मिलती है इस तरह की, मन तो ये कितनी मोटिवेट करती है हम बारे में इस तरह से? देखिए, पैसा तो किसी भी व्यवसाय से कमाया जाता है, लेकिन आई थिंक मैं कह देता हूँ, कई कलाकार ऐसे हैं, कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कहते नहीं, लेकिन एक कलाकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है तालियों की गड़गड़ाहट मतलब वैलिडेशन. कुछ स्पिरिचुअल एक्टर्स भी हैं मेरे दोस्त जो कहते हैं कि डोंट लुक फॉर वैलिडेशन, है ना, वो क्या सोचते हैं उससे आपको क्या करना, वो अलग स्पिरिचुअलिटी है. लेकिन इस बात में मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, उनके प्यार के लिए. मैं भूखा हूँ, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत चाहिए, मुझे बहुत प्यार चाहिए. तो अगर, क्योंकि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, और उनका पैसा कमाने से मेरा घर चलता है, किचन चलता है, फिर उनसे प्यार, उनके प्यार से मेरी सांस चलती है, जिंदगी चलती है. तो मैं, आई डोंट मिंस माई वर्ड्स, मैं उनके प्यार के लिए ये काम कर रहा हूँ. वो जब तालियों की गड़गड़ाहट आती है तो मुझे अंदर से इतनी खुशी मिलती है कि मैंने आपके लिए किया और आपको अच्छा लगा, इससे बड़ी बात मेरे लिए ज़िंदगी में. आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि जैसे कि शो का कंसेप्ट है, आज हम देखते हैं कि हम बच्चे जो हैं कई बार अपने एम्बिशंस में और सब में इतने खो गए हैं कि वो अपने पेरेंट्स को इतना समय नहीं दे पाते हैं. क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज के युवा पीढ़ी को? एम्बिशियस होना गलत नहीं है, टू वर्क टूवर्ड्स योर एम्बिशंस बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन जो आपकी नीड है उन्हें भी अपने साथ साथ रखो. हम ये नहीं कह रहे कि 24 घंटे उन्हें अपने साथ लेके घूमो, लेकिन अगर फ़र्ज़ है या ड्यूटी है या जो भी कह लो, प्यार और रिस्पेक्ट बेसिक हर रिलेशनशिप की वो ज़रूरत होती है, प्यार और रिस्पेक्ट. तो रिस्पेक्ट दो और अपना वक्त दो, क्योंकि फैमिली ही अगर फैमिली के साथ नहीं खड़ी रहेगी तो फिर दुनिया आगे कैसे चलेगी. तो गिव इम्पोर्टेंस टू योर फैमिली एज वेल, जितना आप अपने करियर को देते हो अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस दो. इट इज़ वेरी सिंपल, इज़ अ वेरी सिंपल थिंग जो बचपन से हमको सिखाया गया है, बस बड़े होते होते हम थोड़ा अमल करना कम कर देते हैं. मैं एक, मैं जानता हूँ आप भी जल्दी मैं उनसे, लेकिन इस बात पे क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ.
बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा आपको कि आपके पास मोबाइल फोन तो होगा ही, उसमें आपके आपके मोबाइल फोन में कम से कम 2000 नहीं तो 1500 नहीं तो 1000 नहीं तो 500 नंबर तो होंगे। आपको सोचना होगा कि इन 500 लोगों में से कितने लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं और कितने लोगों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनमें से कितने लोग आपको दिन में कम से कम एक बार फोन करके पूछते हैं, चाय पी लिया बेटा तो ठीक है। जितने लोग हैं जो दिन में आपको एक बार फोन करते हैं, आप भी ये रोल बनाइए कि आप उनको वापस फोन करके पूछे सब ठीक है। चार पांच ही लोगों होंगे मेरे साथ, उन चार पांच लोगों को अपने दिल में लेकर चलिए। कभी कोई बेशक रानी सर, आपने बहुत गहरी बात कही है लेकिन हमारे दोस्तों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स यू वेरी मच।